एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, अब लेंस है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज है 2 सेंटीमीटर, उसको हमने प्लेस किया गया है यू 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, एक लेंस के पास जिसकी फोकल लेंथ गिवन है 27 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, हमें हाइट निकालनी है कितनी होगी. सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. 1 - 1/27 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/18. अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/27 - 1/18. यहां से हमारी एक v की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके. दूसरा पैरामीटर हम क्या निकालना है, हमें हाइट. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस में क्या होता है, मिरर में -v/u होता है, इसमें v/u h2/h1. अब देखो h2 मेरे पास है, h1 मेरे पास गिवन है, h2 मुझे कैलकुलेट करना है, v मेरा यहां से फाइंड हो जाएगा और u मेरा ऑलरेडी गिवन है, तो सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 1.2. डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विद बोथ फेसेस डू द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर. फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 30 सेंटीमीटर. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. डबल कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखने में होता है हमारा, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है. तो डबल कॉन्वेक्स लेंस हमारा मैन्युफैक्चर्ड किया गया है जिसकी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, वो होगा म्यू 1.55 विद बोथ फेसेस, दोनों का ही रेडियस हमारा सेम है और फोकल लेंथ हमारी कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर हमें फोकल लेंथ गिवन है. फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर गिवन होने का मतलब क्या है, इस सरफेस के लिए देखो दो सरफेस हैं, एक सरफेस तो मेरी ये है और एक क्या होगी, इधर वाली, ऐसे होगी ना, राइट. इसके लिए अगर मैं देखूं इस वाली सरफेस के लिए, तो एक सरफेस के लिए रेडियस क्या होगी, नेगेटिव, और एक के लिए क्या होगी, पॉजिटिव. अब इस चीज का ध्यान देते हैं, हमें इसमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी, अच्छा कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें चाहिए होगी. तो इसका हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला होता है, दैट विल बी 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं हम इसको, राइट. अब देखते हैं हमें निकालनी है फोकल लेंथ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम फोकल लेंथ से स्टार्ट करते हैं. अब आते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे, तो म्यू हमारा मीडियम 1.55 है, ग्लास का मीडियम बना हुआ है ना, और जो ये आर वन है रेडियस है पहले वाले की 1/r1, आर वन इज फॉर द फ्रंट, तो ये पहले आ रहा है तो ये हो गया आर वन और जो ये हो गया आर टू. अब दोनों की रेडियस सेम है, कितनी है रेडियस दोनों की ही 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो गई तो रेडियस दोनों की सेम है, तो दोनों की रेडियस सेम को मैं मान लेती हूँ आर वन आर टू आर मान लेते हैं, ठीक है. अब लेकिन जो R1 है वो इधर बन रहा है, मीन्स पॉजिटिव x एक्सिस होगी ना, ये x पॉजिटिव और ये नेगेटिव x एक्सिस, तो R1 तो मेरा R हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकती हूँ 1/r, बट जो R2 है वो माइनस के R रेडियस कन्वेंशन में आ जाएगा. ये बात समझ में आती है. तो 1/f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.55, और 1/r, 1/r मीन्स 2/r. अब जो फोकल लेंथ है हमें वो कितनी गिवन थी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है. फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर. तो यहां पे रख देंगे 30 क्योंकि कॉन्वेक्स का केस है, तो 0.55 इंटू 2/r. तो हमारे पास जो r की वैल्यू आई वो कितनी हो गई, 0.55 इंटू 2 इंटू 30. और जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 33 सेंटीमीटर.
ठीक है, तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था ये भी. नेक्स्ट, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स एट अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और हमें एन गिवन है. द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज दिस. एट व्हाट पोजीशंस द इमेज इज फॉर्म्ड, किस पोजीशन पे हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी. सेम क्वेश्चन आता है ये भी वही हमारा. इसमें क्या क्या गिवन है, आर है 10 सेंटीमीटर, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस. द डिस्टेंस ऑफ द लाइट फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 50 सेंटीमीटर. यू है माइनस के 50 सेंटीमीटर. हमें निकालना क्या है इसमें, वी. फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब हमें इसमें जब फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो सेम हमारे पास इसमें दो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो जाएंगे. कौन कौन से, ग्लास और वाटर. तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर रेडियस. तो रेडियस ही कंसिडर करेंगे. रेडियस हमारी इस केस में कितनी है, पॉजिटिव. V हमें निकालना है, U है माइनस के 50 सेंटीमीटर और म्यू टू और म्यू वन. अब आ जाते हैं, देखो ये इस तरीके का फिगर ही होगा. तो म्यू टू हमारा ग्लास होगा और म्यू वन से रे आ रही है, मीन्स वो एयर है और एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है. इसमें पुट करिएगा और वैल्यू पुट करने के बाद D हमारा ऑप्शन आ जाएगा. एंगल, क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है ना क्रिटिकल एंगल. तो क्रिटिकल एंगल मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी था कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता था, इंसिडेंट एंगल, जहां पर रिफ्रेक्टिव एंगल हमारा 90 हो जाए, मींस जो रे है वो सरफेस पे चलने लगे, उसको बोलते थे. तो अब मैं अगर अपना स्नेल्स लॉ का यूज करती हूँ तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आई आर, राइट. अब आई को तो क्रिटिकल एंगल जब मैं ले रही हूं, अब तो ये आई ले लेते हैं, ठीक है. अगर मैं हमारा जो आई है उसको क्रिटिकल एंगल कंसिडर करूंगी तो रिफ्रेक्शन मेरा कितना हो जाएगा, 90 एंड साइन 90 इज 1, तो ये तो मेरा 1 हो गया. तो अब क्या बचा, म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन. तो म्यू टू हमारे पास हो गया म्यू वन साइन ऑफ आई सी, क्रिटिकल एंगल. अब मोस्टली केसेस में क्या होता है, हमारा 2 से 1 जा रहा है, मींस ये फिनोमेना तभी क्रिटिकल एंगल फॉलो होता है जब डेंसर टू रियरर जा रही है, म्यू टू से म्यू वन में जा रही है, ठीक है. तो म्यू वन जो हमारा होता है उसको हम लेते हैं मोस्टली एयर. तो म्यू टू हमारा कितना आ गया, साइन आयोटा सी. तो अगर मेरी ये कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ जो मेरा मीडियम है वो ट्रू है. अब देखो पहला सब्सटेंस मीडियम क्या है, वाटर. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.33 और एंगल है 48.75. जब मैं यहाँ पे 1.33 रखूंगी तो मेरा क्रिटिकल एंगल इतना ही आना चाहिए, इतना नहीं आना चाहिए. जबकि जब आप इसमें रखोगे आईसी की जगह 48.75 तो आपको यही वैल्यू मिलेगी. तो ये ठीक वैल्यू है. सेम इसमें भी ऐसा ही होता है और इसमें भी ऐसे होता है. सिर्फ एक ये जो मीडियम है बी वाला, इसमें वैल्यू गलत आ रही है. तो इन्होंने यही पूछा था इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए फिर उसके बाद करिएगा, ठीक है.